अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नुशाही इंटरटेनमेंट में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर में वाक़ है। लाहौर के दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही चंद कदम आगे चलें तो चौक वज़ीर ख़ान आ जाता है, जहाँ मस्जिद वज़ीर ख़ान अहद मुगलिया का शानदार तामीराती शाहकार आने वालों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचता है। मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर की कदीम अमारात में मुमताज़ और मुनफरिद हैसियत रखती है। अपनी तामीराती अज़मत, पायदारी और नक्शो नगार की बदौलत माहरीन फ़न तामीरात इस मस्जिद को ख़ास दर्जा देते हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान का सदर अपनी हैसियत में एक मुकम्मल और आलीशान फ़न तामीर का नमूना है। दाखिली दरवाजे की कुल चौड़ाई 21 फुट है, जिसके दोनों अतराफ़ 4-4 फुट में दाएं और बाएं जानब चबूतरे हैं और इनके बीच 13 फुट चौड़ी सीढ़ियां हैं, जिनसे दाखिली दरवाजे के मरकजी हिस्से में दाखिल होते हैं। मस्जिद की ड्यूड़ी के शुमाल और जनूब में 13 फुट चौड़ा रास्ता है। ड्यूड़ी से आगे बढ़ें तो मस्जिद का वसी सेन शुरू हो जाता है, जिसका फर्श खड़े रुख ईंटों से बनाया गया है। मस्जिद के सेन के वस्त में वाक़ वज़ू के तालाब के मतवाजी शुमाल और जनूब की जानब भी दाखिली दरवाजे बनाए गए हैं। सेहन के चारों कोनों पर 4 मीनार हैं, जिनके अंदर सीढ़ियां ऊपर तक चली जाती हैं। इस मस्जिद के सेहन के मगरबी जानब ईवान की इमारत है। ईवान के दरमियानी हिस्से का दरवाज़ा 24 फुट चौड़ा जबकि 36 फुट ऊँचा है, जहाँ ये निसफ गुंबद की सूरत में तब्दील हो जाता है। सेहन के दरमियान में खड़े हों तो हमें चारों अतराफ दलान के अलावा दाखिली दरवाज़ों का खूबसूरत और उम्दा नज़ारा देखने को मिलता है। सेहन के दरमियान में खड़े हों तो हमें चारों अतराफ दलान के अलावा दाखिली दरवाज़ों की अमारात का खूबसूरत और मज़ीन तरीन नज़ारा देखने को मिलता है। मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदरूनी और बैरूनी दीवारों और गुंबदों पर हताती के बकसरत नमूने देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हताती आबी रंगों की मदद से की गई है, ताहम काशीकारी में भी हताती के नमूने मौजूद हैं। जामिया मस्जिद के ऐवान में मिंबर की मौजूदगी लाजम है, मगर बरतानवी अहद हुकूमत में मस्जिद वज़ीर ख़ान में कोई मिंबर नहीं था। अप्रैल 1899 में जब वायसराय हिंद ने मस्जिद का दौरा किया तो इसकी तदयन आरइश और तामीराती मेयार से मरूब हुए बगैर ना रह सका। इस एतराफ़ के तौर पर इसने अहरोट की आला लकड़ी का खूबसूरत मिंबर म्यू स्कूल ऑफ आर्ट के माहिर कारीगरों से बनवाया और तोहफतन मस्जिद को पेश किया। 100 से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, मगर मिंबरकारी का ये आला नमूना अभी तक इस मस्जिद के ईवान में मौजूद है। इस अजीम शान मस्जिद और तामीर के नादर नमूने के बानी का नाम हकीम अलीमुद्दीन अंसारी अल मशहूर नवाब वज़ीर ख़ान है। हकीम साहब एक इंतहाई आलम फाजिल और पढ़े लिखे इंसान थे। इन्हें फन तिब में बड़ी महारत हासिल थी और इसके साथ साथ अरबी, फारसी और फलसफा पर भी गहरी नज़र थी। फन तिब ही के बायस इनकी रसाई मुग़ल दरबार तक हुई और अहद शाहजहानी में दीवान, ब्योताज और नवाब वज़ीर ख़ान जैसे अलकाबात हासिल किए। शाही ख़ानदान के ख़ानदानी तबीब होने के साथ साथ वो गवर्नर पंजाब के ओहदे तक भी पहुँचे। हकीम साहब पंजाब के एक कदीमी शहर चन्योट में पैदा हुए। इनकी जाय पैदाइश तो इनकी वजह से ज़माने भर में मशहूर हुई ही थी कि इन्होंने गुजरात के करीब एक नए शहर की बुनियाद रखी, जो आज भी वज़ीराबाद के नाम से ज़माने भर में जाना जाता है। इनकी बहुत सारी तामीरात हैं, जिनमें शाही हमाम, मस्जिद नवाब वज़ीर ख़ान हुर्द और मस्जिद वज़ीर ख़ान है, जो कि लाहौर में वाक़ हैं। इसके अलावा इनकी तामीरात के निशान चन्योट और वज़ीराबाद में भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो और अपडेट्स आपको बआसानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा, आपका और हम सबका अल्लाह निगेबान।